हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री के वो 6 मैजिकल वर्ड्स के बारे में बताऊंगी और अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आपकी पॉलिसी 100% सेल होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। एक एक बूंद से सागर भरता है, आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशनल मिलता है और हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं और देखते हैं वो कौन से 6 मैजिकल वर्ड्स हैं। फर्स्ट इज यू आस्क, दे टेल एंड यू सेल। तो फ्रेंड्स, आइए इन वर्ड्स 6 मैजिकल वर्ड्स के बारे में एक एक करके समझते हैं। कुछ इंश्योरेंस एजेंट सीधे मिलते हैं और पॉलिसी की बात करने लगते हैं। उन्हें पॉलिसी बेचने की इतनी जल्दी होती है कि वो जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। वो क्लाइंट से एक दो बातें करते हैं और सीधा पॉलिसी बेचने का प्रयास करने लगते हैं और वहीं पे क्लाइंट डिफेंसिव हो जाता है। वो आपकी बात सुनना ही बंद कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा बेचने वाले हो जिसके बिना उनका काम चल सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी गलती कभी ना करें। पहले उन 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करें, यू आस्क, और अपने क्लाइंट से पूछिए, उनकी ज़रूरत के बारे में चर्चा करिए। उनको कैसा घर चाहिए, उनको अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, उन्होंने अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के बारे में क्या सोचा है, वो अपने बच्चे को इंडिया में पढ़ाना चाहते हैं या कहीं बाहर पढ़ाना चाहते हैं, इस सब के बारे में उनसे बातें करिए। अभी तक उन्होंने क्या सेविंग की है आप उनके बारे में पूछिए। जहां उन्होंने सेविंग की है तो क्या समय पे उन्हें पैसा मिल पाएगा, इस बारे में बात करिए। उन्होंने अपनी बेटी की मैरिज के लिए क्या प्लानिंग करी है, कितना खर्चा करना चाहते हैं, उसके बारे में चर्चा करिए। क्लाइंट को बोलने का मौका दीजिए। अगर क्लाइंट आपसे खुल के बात करेंगे तो ही आप उनकी ज़रूरतों को समझ पाएंगे। यानी फ्रेंड, जब क्लाइंट आपसे बातें करने लगता है, वो अपनी जिम्मेदारियों की बातें आपसे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें आपसे करने लगता है, तो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो जाता है। तब आप समझिए कि आपके दूसरे 2 वर्ड दे टेल का सही आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जब क्लाइंट आपसे अपने मन की सारी बातें कर रहे हैं। अब वो आपसे अच्छे से कनेक्ट हो गया है तो जहाँ जहाँ आपको उनकी प्लानिंग में कमियां नज़र आती हैं, वहाँ वहाँ आप उनको मदद कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट जैसे चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज प्लान, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ या मनी बैक, इस तरीके के प्लान्स के बारे में उन्हें समझा सकते हैं। ध्यान रहे, उन्हें सिर्फ सजेशन देना है, कभी भी उन्हें प्लान लेने के लिए फोर्स नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लास्ट के 2 वर्ड्स यू सेल का उपयोग करिए, क्योंकि अब आपको ही नहीं बल्कि क्लाइंट को भी लगता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा है। एक बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता, जो बिकता है वो होती है उनकी ज़रूरत। एंड जब क्लाइंट को महसूस होने लगेगा कि उसको इस पॉलिसी की ज़रूरत है तो पॉलिसी आपकी अपने आप ही बिकने लगेगी। आपको बस ज़रूरत को ढूँढना है जो आपका क्लाइंट आपको खुद बताएगा। जब आप इन 6 मैजिकल वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो आज आप इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो ध्यान से देखने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।